नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम है और कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के नामकुम खोजा टोली आर्मी कैंप स्थित कुटियातू चौक के पास आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में किया गया है। इस ग्राउंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जिलों रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला की 3 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे और इसी समारोह में लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि नामकुम के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 सितंबर को 3 लाख से अधिक लाभुक शामिल होंगे। तो आज का दिन बड़ा दिन है रांची के लिए। 5 जिलों के महिला लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या तैयारी? चूंकि 12 बजे का समय तय किया गया है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, इससे पहले किस तरह की हलचल वहां पर, चूंकि 5 जिलों से काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पहुंच रही है? तेजस्वी यादव आएंगे, पूरा कार्यक्रम है और इसमें जो 5 जिले छोटा नागपुर क्षेत्र में आते हैं उन 5 जिलों की महिलाएं इस रांची के नामकुम में आयोजित हुए मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में पहुंचेंगी और कह सकते हैं कि जिस तरीके से तैयारी की गई है उसको देखकर काफी संख्या में महिलाएं पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी अन्य जिलों में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें भी काफी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन रांची राजधानी का कार्यक्रम है, छोटा नागपुर प्रमंडल का कार्यक्रम है और 5 जिले की महिलाएं आएंगी और मुख्यमंत्री कार्यक्रम के माध्यम से सीधे जो लाभुक है उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करने की करेंगे और 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। हालांकि सरकार की साफ मंशा है कि जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं 21 साल से 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए उस को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना की सराहना पूरे झारखंड में महिला वर्ग कर रहे। हालांकि विपक्ष इस योजना को आड़े हाथे ले रहा है, लेकिन खुलकर अभी तक कुछ बातें सामने नहीं आई। लेकिन जहां तक की बात करें कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी मुकम्मल की गई है। 2,000 से अधिक पुलिस के जवान लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत कोई अनहोनी ना हो। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा से लेकर हर एक पहलुओं का विशेष ध्यान दिया गया है और दोपहर 1 बजे तक इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से सभी लाभुक महिलाओं के खातों में सीधे DVD के माध्यम से खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए और इसके साथ ही जो जानकारी मिली है कि बस का इंतजाम किया गया है ताकि 5 जिलों से महिलाओं को रांची लाया जा सके, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। देखिए, रांची राजधानी की अगर बात करें, छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें, तो रांची राजधानी में कुल 2,000 बसों का इंतजाम करने के लिए DTO ने अलग अलग स्कूल प्रबंधकों को पत्र लिखकर उनसे बस मांगी थी, उनसे सहयोग मांगा था। हालांकि इन 2,000 बसों के माध्यम से लाभुकों को लाए जाने का काम जो सैया होंगी, जो आंगनवाड़ी होंगी, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने अपने गाँव क्षेत्र से जो सैया हैं और आंगनवाड़ी हैं वो लेकर महिलाओं को आएंगी और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, इस कार्यक्रम का अपने जहन में ले जाएंगी। किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो महिलाओं के बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो बातें कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाया है मैया सम्मान योजना की शुरुआत करके। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैया सम्मान योजना राज्य में चल रही है, पूरे राज्य के लोगों के लाभुकों को एक तरह से कह सकते हैं कि लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके खाते में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं और अब जो है आज 5 जिलों का कार्यक्रम है और इस तरीके से हर एक प्रमंडल में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं साथ ही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से आवेदन भी मैया सम्मान योजना के लिए जा रहे हैं। जो भी लाभुक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनका ऑफलाइन आवेदन लेकर उन्हें लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है जी। बिल्कुल राहुल, और आज इस कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।